जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भाग करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। क्यों होने वाला है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये देखो बिल्कुल बेसिक वाली भाग और ये देखिए थोड़ा एडवांस लेवल की भाग करना सिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये वाली भाग तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग पहली भाग सीखते हैं। क्या है दोस्तों, जब भी आप लोगों को भाग करने के लिए सवाल मिले तो आपको करना क्या है? आपको ये करना होगा कि सबसे पहले तो हम इधर की पूरी संख्या को देखेंगे। तो कौन सी है इधर पूरी संख्या? तो ये 6 और 4, मतलब पूरी संख्या जो है 64 है हमारे पास। और हमें भाग किससे करना है? 2 से करना है। तो दोस्तों हम किस तरीके से करेंगे देखिएगा। दोस्तों जब हम भाग करेंगे ना, तो सबसे पहले अब हम लोग पहली संख्या देखेंगे। पहले तो हम पूरी संख्या देखेंगे, फिर जब हम भाग करेंगे तो इधर की हम पहली संख्या देखेंगे कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 है और यहां पर कौन सी है? 2 है। अब दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं में ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 6 जो है वो बड़ी संख्या है और 2 जो है वो छोटी संख्या है। अब दोस्तों ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी है, तो दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना पड़ेगा कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो दोस्तों पढ़ लेते हैं 2 का पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो दोस्तों देखिएगा, कुछ हमने इस तरीके से पहाड़ा पढ़ा और हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। लेकिन हमने कितनी बार पहाड़ा पढ़ा है? तो 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा है। अब दोस्तों हम जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा है, 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उतना तो हम यहाँ लिख देंगे, और पहाड़ा पढ़ने के बाद में जितना आएगा, जैसे कि 2 3 6, 3 बार पहाड़ा पढ़ा और पहाड़ा पढ़ने के बाद कितना आया? 6 आया। अब इस 6 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब दोस्तों हम ये करेंगे कि इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर देंगे, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या। तो इसको इससे माइनस करते हैं तो क्या बचेगा? 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमने जब कुछ नहीं बचता है तो आप लोग यहां पर क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, या चाहें तो आप लोग कुछ भी नहीं लिखें तब तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। अब दोस्तों हमें भाग तो कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, लेकिन हमारे पास ऊपर संख्या उपलब्ध है। तो दोस्तों जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचती और ऊपर हमारे पास संख्या होती है, तो इसी संख्या को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। तो 4 है ना, इस 4 को दोस्तों हम यहाँ पर उतार लेंगे। और जैसे ही हमने यहाँ पर 4 को उतारा, फिर से हम लोग वही तरीका अपनाएंगे कि देखेंगे कि ये वाली संख्या बड़ी है या ये वाली संख्या बड़ी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 4 बड़ी संख्या होती है और 2 छोटी संख्या होती है। तो हम 2 का पहाड़ा अब इतनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए या 4 से आ जाए, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो दोस्तों हमने 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? तो 2 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा। अब 2 बार पहाड़ा पढ़ा तो 2 तो हम यहां पर लिख देंगे, और कितना आया? 4 आया। 4 को दोस्तों हम यहां पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमने फिर से यहां पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने पहली भाग को तो कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी भाग की तरफ, फिर हम लोग ये वाली भागें भी सीखेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो काफी वैल्यूएबल होने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा, अब हमें 3 से भाग देना है किसको? 159 को। सबसे पहले तो हम इधर पूरी संख्या देखेंगे ना, 159 है। अब दोस्तों यहाँ पर तो 159 है, लेकिन अब हम क्या करें? अब भाग देंगे 3 से। तो 3 से जब भाग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पूरी मतलब पहली संख्या देखेंगे, वो कौन सी है? तो वो है 1। कौन सी है? 1 है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो अब हम लोग इनमें से देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोस्तों 3 बड़ी संख्या है, 1 छोटी संख्या है। अब दोस्तों आप लोग देखिएगा, अगर ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी रह जाती है तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा, जब तक कि यहां पर कोई बड़ी संख्या नहीं बनेगी। तो दोस्तों यहां पर छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या हम लोग बनाएंगे कैसे? क्योंकि हमें भाग तो करना ही करना है ना। तो यहां पर जब एक संख्या छोटी रह जाती है, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग 2 संख्याओं को ले लेते हैं। तो अब हम लोग लेंगे 1 और 5, मतलब दोनों संख्याओं को लेंगे तो संख्या बन जाएगी 15। अब यह 15 बन जाएगी ना, तो हम क्या करें? 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चकू 12, और 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। 3 पचे
15। तो देखिएगा दोस्तों, तीन का पहाड़ हमने कितनी बार पढ़ा, पांच बार पढ़ा। अब पांच बार पहाड़ा पढ़ा, जितना हमने बताया था जितनी बार आप लोग पहाड़ा पढ़ोगे उतना आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। पांच बार पहाड़ा पढ़ा तो पांच हमने यहाँ पर लिख दिया और कितना आया 15। तो 15 को दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम लोग ये करेंगे कि इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर लेते हैं तो पाँच में से पाँच जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, और एक में से एक जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों की दोनों जगह पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे अगली वाली संख्या को हम यहाँ पर उतार लेते हैं, जो ऊपर संख्या 9 है ना, इस 9 को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। और जैसे ही 9 को अब हमने यहाँ पर उतारा, अब हम लोग फिर से चेक करेंगे कि ये वाली संख्या बड़ी है या ये वाली संख्या बड़ी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 9 बड़ी संख्या होती है और 3 छोटी संख्या होती है। तो हम क्या करें, हम तीन का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9। देखिएगा दोस्तों तीन का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा और 9 आ गया। तो 3 बार पहाड़ा पढ़ा, 3 तो हम यहाँ पर लिख देंगे और 9 आया है, 9 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो 9 में से 9 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमने दोस्तों इस तरीके से ये दोनों की दोनों भागें कंप्लीट कर ली हैं। तो दोस्तों अब हमने ये दो भागें तो सीख ली हैं, अब दोस्तों हम इन दो भागों को भी सीख लेते हैं, जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें और बहुत ही आसानी से ये सारे के सारे कंसेप्ट को समझ करके आगे वाले सवालों में आप गलती बिल्कुल भी ना करें। चलो दोस्तों हम इन दो सवालों को भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला सवाल, फिर हम लोग दूसरे सवाल को सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 6 से सीखेंगे, 6 का हम लोग भाग करेंगे किसको, 6 से भाग करेंगे 273 को। तो हम किस तरीके से भाग देंगे आप लोग देखते रहिएगा। क्या है, सबसे पहले पहली संख्या कौन सी है, 2 है, यहाँ पर कौन सी है 6, तो ये वाली संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। अब इसका भाग इसमें करने के लिए हमें यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 संख्याओं को लेना पड़ेगा। 2 और 7 को जैसे ही लेंगे तो संख्या यहाँ पर पूरी बन जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगी 27। तो दोस्तों अब हम क्या करें, 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 27 आ जाए या 27 से कम आ जाए, लेकिन 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो दोस्तों देखिएगा, हमने 6 का पहाड़ा यहां पर 5 बार पढ़ा और यहां पर आ गया 30। 6 पंचे 30 और 30 दोस्तों जो होता है वो 27 से ज़्यादा होता है। तो हमने क्या बताया था आपको कि 6 का पहाड़ हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 27 आ जाए या 27 से कम आ जाए, लेकिन हम 27 से ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि 27 में से फिर 30 घटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। तो दोस्तों यहाँ पर 6 के पहाड़े में 27 भी नहीं आया है और 30 को तो हम लिख नहीं सकते। तो हम अब क्या करेंगे, अब दोस्तों हम ये करेंगे कि 27 से कम वाली संख्या को लिखेंगे। तो कम तो 6 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 24 भी है, तो हम क्या सबको लिख सकते हैं, नहीं दोस्तों, हम 27 से कम संख्या उसी संख्या को लिख सकते हैं जो 27 के पास में हो, जैसे कि 24। 24 27 से कम भी है, 27 के पास में भी है, तो 24 को लिखेंगे। तो 24 कितनी बार में आएगा, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 बार में दोस्तों आएगा ना, तो 4 हम यहां पर लिख देंगे और 24 दोस्तों जो आया 24 को हम यहां पर लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने यहां पर लिख दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को माइनस कर देते हैं। 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है ना, तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 6, तो अब क्या करेंगे, ये छोटी संख्या, ये है बड़ी संख्या, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पर भाग करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या बनाने के लिए यहाँ पर संख्या उपलब्ध है 3, तो इसी संख्या को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। तो 3 हुआ, 3 पहले से था और 3 यहाँ पर उपलब्ध था, तो इसी 3 को हमने यहाँ पर उतारा, संख्या बन गई 33 हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 33 आ जाए, 33 से कम आ जाए, लेकिन 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, और 6 छंग कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 6 छंग पढ़ेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा, और 36 दोस्तों 33 से ज़्यादा होता है, तो 36 को तो हम लिख नहीं सकते, और 6 के पहाड़े में 33 आया नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करें, 33 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 33 के पास में है, वो कौन सी है, 30, तो 30 को लिखेंगे। तो 30 कितनी बार में आएगा, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 5 बार में दोस्तों आएगा। तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे और 30 दोस्तों जो आया 30 को हम यहाँ पर लिख देंगे। कुछ इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा,
तीन में से तीन जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो ये तीन बचा है ना, यहाँ पर कोई आगे कोई संख्या है नहीं कि बड़ी संख्या को बना लेंगे, और इससे छोटी ये संख्या है तो इसका भाग इसमें जा नहीं पाएगा। तो ये जो संख्या बची है ना वो हमारा बचा है, इसी को बोलते हैं हम लोग शेषफल, या इसी को हम लोग शेष बोल देते हैं, और इसी को हम लोग शेषफल भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये तीसरी भाग को भी सीख लिया है। इस तरीके से अगर आपके पास शेषफल बचता है तो आप इस तरीके से शेषफल वाली भागों को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम सबसे लास्ट वाली भाग को सीखते हैं, क्योंकि ये भाग आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली थी। दोस्तों देखिएगा, हमें 9 से भाग देना है किसको, 569 को। तो किस तरीके से देंगे, सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे कौन सी है, 5। यहां पर कौन सी है, 9। ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। तो यहां पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हमने 5 और 6 को लिया, संख्या बन गई 56। अब 9 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 56 आ जाए, 56 से कम आ जाए, लेकिन 56 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तय 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54 और 9 सती 63। अब दोस्तों देखिएगा, 9 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा और 63 हो गया 56 से ज़्यादा, और 9 के पहाड़े में 56 आया नहीं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 56 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 56 के पास में, वो कौन से, 54। तो 54 कितनी बार में आएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तय 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 6 बार में दोस्तों आएगा। तो 6 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 54 दोस्तों जो आया है 54 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने ये चीज़ें कर ली। अब इसमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 9 है, ये बड़ी संख्या या छोटी संख्या। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग अगली संख्या 9 को यहाँ पर उतार लेते हैं, और जैसे ही हमने 9 को यहाँ पर उतारा, संख्या बन गई हमारे पास 29। अब क्या करेंगे, अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 29 आ जाए, 29 से कम आ जाए, लेकिन 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तय 27, 9 चौक 36, 36 ज़्यादा हो गया, 29 है नहीं 9 के पहाड़े में, तो हम 27 को लिखेंगे, क्योंकि 27 29 से कम वाली संख्या, ठीक है, जो 29 के पास में है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तय 27, 3 बार में 27 आएगा, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 27 दोस्तों जो आया है 27 को अब हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये जो 2 बचा है ना, 9 से छोटी संख्या है, और आगे कोई संख्या है नहीं जो यहाँ पर बड़ी संख्या बना ले, और यहाँ पर वैसे अगर दशमलव वाले होते तो दशमलव लगा कर यहाँ पर 0 बढ़ा लेते, उस तरीके से करते, लेकिन यह साधारण भाग है। तो ये हमारा फिर से यहाँ पर बच गया है शेषफल, क्या बच गया है हमारा शेषफल बचा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने ये चारों के चारों भागों को कंप्लीट कर लिया। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।